आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि एक कंट्रोल सिस्टम या एक डिजिटल सिस्टम जो होता है उसका गेन कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेसन गेन फॉर्मूला क्या होता है। मेसन गेन फॉर्मूला इक्वल टू सी बाय आर। सी इज दी आउटपुट एंड आर इज दी इनपुट। जैसा कि हम जानते हैं कि गेन हमेशा एक सिस्टम का आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो इसलिए सी बाय आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन एफ आई डेल आई बाय डेल। दिस इज द बेसिक मेसन गेन फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट द गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो एफ आई चाहिए, डेल आई चाहिए एंड डेल चाहिए, जिसे हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एफ आई तो क्या होता है? एफ आई क्या होता है? जितनी भी सभी फॉरवर्ड पाथ्स होंगे इनपुट से आउटपुट नोड में जाने के लिए, वो सभी के सभी एफ आई होंगे। जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ एफ वन हो जाएगा, सेकेंड एफ टू हो जाएगा एंड सो ऑन एफ एन तक होगा। तो एफ आई क्या होता है? सभी फॉरवर्ड पथ्स फ्रॉम इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड वेयर कैपिटल एन इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पथ्स अवेलेबल होंगे वो हो जाएगा कैपिटल एन। अब हमें क्या चाहिए? डेल आई और डेल चाहिए। तो उसे देखने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल क्लोज लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। तो अब इस फॉर्मूले में ये क्या कहा है कि डेल इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल क्लोज लूप गेन्स। का मतलब है कि जितने भी आपके क्वेश्चन में जो फिगर दिया रखा है उसमें उस फिगर में जितने भी क्लोज लूप गेन्स बन रहे हैं वो सभी के सभी इस ब्रैकेट में आएंगे, उनका सम आएगा इस ब्रैकेट में। जैसे एक लूप मेरा बन रहा है वो प्लस दूसरा लूप मेरा बन रहा है वो, तो सभी का सम होगा ये। देन इस वाले ब्रैकेट में होगा जो ये सभी लूप आएंगे जो जो इनमें से दो दो लूप्स जो कि नॉन टचिंग होंगे उन सभी का सम्स इसमें आएगा। एंड इस थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? जितने भी इन सभी लूप्स बन रहे थे ये जो सभी के सभी, इनमें से तीन तीन के जो बनेंगे ग्रुप जो नॉन टचिंग होंगे वो इस ब्रैकेट में आएगा। और इस फॉर्मूले में साइन जो होता है वो अल्टरनेट चलेगा, यानी कि पहला ये 1 का प्लस है, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। फिर 4 नॉन टचिंग बनेंगे, देन 5, देन 6 अगर क्वेश्चन में बन रहे हैं तो, मतलब जितने भी ब्रैकेट पॉसिबल होंगे ये उतने अपने को इसमें बनाने हैं। तो ये हमारा एक यूजफुल फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन में डेल का। अब हमें डेल आई चाहिए।
डेल आई भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। डेल आई लिख देते हैं अब। डेल डेल आई क्या होता है? डेल वाली इक्वेशन जो होती है उसमें से उन इंडिविजुअल एंड नॉन टचिंग लूप्स को एक्सक्लूड कर देंगे। जो आयत पथ को टच करते हैं तो डेल आई क्या होता है? ये जो हमारी डेल वाली इक्वेशन है, जैसे कि हम फर्स्ट फॉरवर्ड पथ ले रहे हैं, एफ वन ले रहे हैं, अगर एफ वन के लिए हम डेल वन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल वन क्या होगा? इस डेल वाली इक्वेशन में से उस फर्स्ट पथ को जितने भी लूप टच कर रहे हैं, मतलब इनमें से कोई लूप टच कर रहा होगा तो उस लूप को हम एक्सक्लूड कर देंगे इस इक्वेशन से। इसमें से कर रहा होगा तो इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, एंड इस वाले ब्रैकेट में कोई टच कर रहा होगा तो इस वाले ब्रैकेट से उसे एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये हमें अच्छे से समझ आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इनपुट नोड, आर एंड आर इनपुट नोड एंड सी आउटपुट नोड। इसका गेन है जी वन, इसका है जी टू, इसका है जी थ्री, और जिसका भी अगर गेन नहीं लिखा होता उसका वन मान लिया जाता है, तो हम इनको वन मान लेंगे। इसका है जी फोर, माइनस का एच थ्री, माइनस का एच वन, माइनस का एच टू। ये हमारा बन गया पूरा फिगर। अगर ये फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका हमें गेन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा स्टेप वन। स्टेप वन में हमें जो जितने भी पॉसिबल फॉरवर्ड पथ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, एक तो हमारा ये फॉरवर्ड पथ बन रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ 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 और सीधा से, यानी कि हमारा एफ वन। एफ वन क्या बन रहा है? सभी ये जितना भी हमारा आ रहे हैं रास्ता पूरा बन रहा है, इसके गेन प्रोडक्ट को लेना है एफ वन में। तो जी वन डॉट जी टू डॉट जी थ्री। वैसे ये जो जी वन जी टू जी थ्री आया है वो मेन क्या है? वन डॉट वन डॉट जी वन डॉट जी टू डॉट जी थ्री डॉट वन डॉट वन, ये है। तो हमारा ये एफ वन आ गया। देन एफ टू, एफ टू क्या बन रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? वन डॉट जी फोर डॉट वन। तो ये एफ टू बन रहा है हमारा जी फोर, और एफ वन हमारा क्या था? जी वन जी टू जी थ्री। इन दो के अलावा हमारे पास कोई फॉरवर्ड पथ नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम यहां से देखते हैं, यहां से यहां का तो हमने ले लिया ये वाला, फिर यहां पर जाते हैं अगर, तो यहां पर फॉरवर्ड पथ नहीं बन रहा क्योंकि ये बैक एरो आ रहा है इसका। हमें क्या चाहिए? फॉरवर्ड चाहिए, लेकिन यहां पर ये पीछे आ रहा है एरो, यहां से नहीं बन रहा। फिर यहां पर भी सिमिलर केस है और यहां पर भी ये सेम केस है, इसलिए यहां पर हमारे एफ वन एफ टू दो ही बन रहे हैं। देन हम लेंगे स्टेप टू। स्टेप टू में हमें जितने भी इंडिविजुअल लूप्स बन रहे हैं हमारे फिगर में वो निकालने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से लूप्स बन रहे हैं? पहला लूप तो बन रहा है जी वन जी टू एंड ये माइनस एच थ्री,
ये लूप बन रहा है हमारा पूरा, तो इसको हम लिख लेते हैं L1, G1, G2 एंड -H3। तो ये क्या हो गया, माइनस का G1, G2, H3, ये L1 आ गया। L2 कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है G2 माइनस का H1, तो ये बन जाएगा G2 एंड माइनस का H1। तो L2 क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का G2H1। थर्ड लूप कौन सा बन रहा है, G2 G3 माइनस का H2, तो लिख लेते हैं ये तीन लूप बन गए हमारे पास। इन तीन लूप के अलावा कोई लूप बन नहीं रहा, ये बड़ा वाला लूप बन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड जा रही है लेकिन ये यहां पर नहीं जा रही, इसके एरो यहां पर है, इधर होता तो ये हमारा लूप बन जाता। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया कंप्लीट, तीन लूप आ गए हमारे इसमें। देन स्टेप थर्ड आता है, स्टेप थर्ड में हम क्या निकालेंगे, जो दो दो के हैं, दो 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 के जो लूप्स के पेयर हैं नॉन टचिंग, वो निकालेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं L1 L2 को, तो कंपेयर कर लेंगे, ये तीन लूप्स आ रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो सबसे पहले L1 L2 को कंपेयर करके देखते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो L1 देखते हैं क्या है, G1 G2 H3, G1 G2 एंड H3 ये है। L2 क्या है, G2 H1, ये है G2 H1। तो ये दो लूप्स टच कर रहे हैं क्योंकि इनमें कॉमन नोड आ रही है, ये कॉमन नोड है, ये कॉमन नोड है, मतलब नॉन टचिंग लूप ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन नोड नहीं आएगी। तो इनमें आ रही है तो ये नहीं हो सकते। L1 L3 को हम कंपेयर करते हैं, L3 क्या है, G2 G3 और ये, इसमें भी ये कॉमन नोड आ रही है तो ये भी नहीं हो सकते। देन L2 L1 तो नहीं हो सकते, L2 L3 L2 L3 देखते हैं, G2 H1 एंड ये वाला G2 G3 माइनस का H2, तो ये वाला लूप भी नहीं हो सकता नॉन टचिंग, इसमें भी कॉमन नोड है। देन L3 L1 थे ही नहीं एंड L3 L2 थे ही नहीं, तो इसमें कुल मिला के कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास नॉन टचिंग, कोई भी लूप नॉन टचिंग नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लिख देते हैं NT2 इक्वल टू 0। तो जब NT2 ही 0 है तो 3 भी 0 होगा, 4 भी 0 होगा, 5 भी 0 होगा, तो सभी चीजें जो है NT2 NT3 NT4 एंड सो ऑन सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप होगा 4, स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे डेल। डेल का फॉर्मूला जैसा था, 1 होता है फिर क्या होता है माइनस, जितने भी लूप्स आ रहे हैं यानी कि हमारे पास L1 आ रहा है, एक L2 आ रहा है और एक L3 आ रहा है, तीनों का सम, फिर प्लस नॉन टचिंग माइनस NT3 तीन नॉन टचिंग सो ऑन। तो यहां पर ये और ये तो दोनों क्या है हमारे पास 0 आ गए, इनको हम लिख देंगे 1 माइनस का, हमारे पास क्या आ रहे थे, ये L1 आ रहा था माइनस का G1 G2 H3, L2 आ रहा था माइनस का G2 H1 और L3 आ रहा था माइनस का G2 G3 H2। ठीक है, तो ये डेल इक्वल टू आ गया 1 प्लस G1 G2 H3 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H2, ये डेल आ गया। नेक्स्ट स्टेप डेल आई कैलकुलेट करना है, स्टेप 5 डेल आई कैलकुलेट करेंगे। अब डेल आई हमारे पास क्या है, दो हमारे बन रहे हैं F1 और F2, दो फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, कैपिटल N हमारा कितना है, 2 है, क्योंकि दो फॉरवर्ड पाथ्स बन रहे हैं इसलिए कैपिटल N 2 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल 1 निकालेंगे एंड डेल 2 निकालेंगे। इसमें सबसे पहले डेल 1 निकालते हैं, तो डेल 1 के लिए हमें F1 देखना पड़ेगा,
F1 था फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या था, F1 इक्वल टू 1.1.g1.g2.g3.1.1 ये था, ठीक है, यानी कि हमारा क्या था, ये सीधा सीधा आ रहा था R नोड से C नोड तक, हमारा सीधा आ रहा था ये 1 1 G1 G2 G3 1 and 1, ये था F1। तो आप देखेंगे कि F1 में हमारा L1 टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, G1 G2 H3 कर रहा है तो एक्सक्लूड कर देंगे, G2 H1 कर रहा है, G2 भी आ रही है तो एक्सक्लूड कर देंगे, G2 G3 H2 G2 G3 भी आ रहा है एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि तीनों ही लूप जो है वो हमारे इस पाथ को टच कर रहे हैं तो तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे, देयरफॉर 1 माइनस 0 तो del1 हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली del2 निकालेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या था, ये था, ये पथ था हमारा, ये G4 वाला ये पथ था, तो इस पथ को भी ये देखते हैं कि टच कर रहे हैं क्या, G1 G2 H3 G1 G2 और H3 ऐसे था क्वेश्चन में जो था हमारा, तो ये टच नहीं कर रहा इसे, तो इसे हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। एंड लूप टू कौन सा था, G2 H1 था, G2 और H1 इधर था तो ये भी नहीं कर रहा तो इसे भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। एंड थर्ड लूप हमारा था G2 G3 H2 G2 G3 और H2 इधर था तो ये भी टच नहीं कर रहा तो हम इसे भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि हमें तीनों लूप में से किसी भी लूप को एक्सक्लूड नहीं करना है, तो तीनों को हम एज इट इज रख देंगे, 1 माइनस का G1 G2 H3 माइनस का G2 H1 माइनस का G2 G3 H2 1 प्लस G1 G2 H3 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H2 ये del2 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, जिसमें हमें मैसन गेन फॉर्मूले से गेन कैलकुलेट करना है, यानी कि C/R कैलकुलेट करना है। सिग्मा I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N Fi del i by del, F मतलब कैपिटल N का है 1, 2, ठीक है, दो है क्योंकि F1 F2 दो फॉरवर्ड पथ है हमारे पास, तो N क्या है, ये है, ये दो रखना है हमें N, यानी कि सिग्मा I क्या रखना है हमें 1 से लेकर 2 तक Fi del i by del इक्वल टू F1 del1 plus F2 del2 upon del, रख देंगे हम सारी वैल्यूज। F1 क्या था, G1 G2 G3 था, del1 क्या है 1 plus F2 क्या था G4 था, del2 क्या है 1 plus G1 G2 H3 plus G2 H1 plus G2 G3 H2 ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, डेल क्या आया था 1 plus G1 G2 H3 plus G2 H1 plus G2 G3 H2, इट्स H2। दिस इज आर C/R गेन, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस यूज लेकर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम गेन को, किसी भी कंट्रोल सिस्टम या डिजिटल सिस्टम के गेन को ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करा जा सकता है। एक और मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है R
जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर एंड वन आउटपुट नोड सी। माइनस एच वन, माइनस एच टू, माइनस एच थ्री, माइनस एच फोर। ओके, इसके लिए हमें गेल कैलकुलेट करना है, वही वैसे ही प्रोसेस है। स्टेप वन निकालेंगे सबसे पहले जितने पॉसिबल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पथ्स हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फॉरवर्ड पथ, पहला तो ये बन रहा है एफ वन इक्वल टू वन डॉट जी वन डॉट जी टू डॉट जी थ्री डॉट जी फोर डॉट वन। सो एफ वन इक्वल टू जी वन जी टू जी थ्री जी फोर, पहला फॉरवर्ड पथ। देन दूसरा हम देखेंगे कि और कोई बन रहा है क्या, चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ तो जा रहा है, ये वाला तो ले चुके हम, ये वाला पथ तो ले चुके हैं जी वन जी टू। देन यहाँ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा क्योंकि ये एरो पीछे की डायरेक्शन में। देन आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा क्योंकि ये पीछे की डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा पीछे की डायरेक्शन में, यहाँ आगे चलते हैं। तो ये पथ तो हम ले चुके, तो इसका मतलब है कि इस फिगर में हमारे पास फॉरवर्ड पथ सिर्फ एक ही ये बन रहा है, ये एफ वन, ये एक ही फॉरवर्ड पथ हमारे पास क्वेश्चन में बन रहा है। देन स्टेप टू, स्टेप टू वही लूप निकालना है हमें, इंडिविजुअल लूप कैलकुलेट करना है, बन रहे कितने बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले एल वन देखते हैं, जी वन एच वन, ये बन रहा है जी वन और माइनस का एच वन, ये लूप बन रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। लूप का मतलब क्या है कि जिस नोड से स्टार्ट हुए हैं उसी नोड पर वापस हमें पहुंचना है। तो एल वन लिख लेते हैं हम, एल वन इक्वल टू क्या बन रहा है, जी वन माइनस एच वन। एल टू, एल टू देखते हैं, जी टू जी थ्री जी फोर माइनस एच टू, ये जा रहा है ये एंड ये, यहाँ वापस रिपीट हो रहा है इसी नोड पर। तो जी टू डॉट जी थ्री जी फोर एंड माइनस का एच टू, ये लूप हमारे पास बन रहा है। एल थ्री देखते हैं कौन सा बन रहा है, जी थ्री माइनस का एच थ्री, ये भी इस नोड से स्टार्ट हुआ, यहीं रिपीट हो रहा है, यहीं पर ही वापस पहुंच रहा है। तो जी थ्री माइनस का एच थ्री। एल फोर, जी फोर माइनस का एच फोर। तो ये हमारे पास चार लूप्स बन गए हैं, ठीक है। एल वन क्या है, माइनस का जी वन एच वन। एल टू क्या है, माइनस का जी टू जी थ्री जी फोर एच टू। एल थ्री क्या है, माइनस का जी थ्री एच थ्री। एल फोर क्या है, माइनस का जी फोर एच फोर। ये चार लूप्स हमारे पास इंडिविजुअल बन गए। स्टेप थ्री, हमें पेयर्स निकालने, यानी कि दो दो निकालने हैं लूप्स जो कि नॉन टचिंग हो। सबसे पहले L1 को देखते हैं कि L1 का किसी के साथ पेयर बन रहा है क्या जो नॉन टचिंग हो दोनों। सबसे पहले L1 L2 को कंपेयर करते हैं, L1 L2 को कंपेयर करके देखते हैं। तो L1, L1 कौन सा है, G1 H1 ये वाला, एंड L2 कौन सा है, G2 G3 ये वाला, G2 G3 G4। तो ये वाला लूप और ये वाला लूप टच कर रहा है क्या, हाँ आ रही है इसमें कॉमन नोड, ये वाली कॉमन नोड आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। L1 L3 को कंपेयर करके देखते हैं, L1 ये है, L3 कौन सा हमारा, G3 H3, ये नॉन टचिंग, इनमें कोई भी लूप नोड नहीं आ रही कॉमन, ये अलग ही अपना और ये अलग ही अपना, तो इसलिए ये है। L1 को L4 से करके देखते हैं, L1 L4 क्या है, G4 H4, अलग ही है, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो ये भी है। L2 को कंपेयर करके देखते हैं, L2 को L1 से कंपेयर करते हैं,
यहाँ कर लिया था, ये नहीं है। L2 को L3 से कंपेयर करके देखते हैं, L2 कौन सा है, ये बड़ा वाला है, और L3 कौन सा है, ये वाला है। आर ई इसमें कॉमन नोड, तो ये नहीं है। L2 को L4 से कंपेयर करके देखते हैं, L2 बड़ा वाला है, L4 कौन सा है, छोटा वाला है, लेकिन ये आ रहा है कॉमन, इसमें कॉमन नोड आ रही है, ये इसी को टच कर रहा है, तो ये भी नहीं है। L3 को कंपेयर करके देखते हैं, L3 को L1 से करते हैं, तो L3 को L1 से आ रहा है, L3 को L2 से करते हैं, नहीं आ रहा। L3 को L4 से करते हैं, L3 G3H3 ये, और L4 G4H4 कॉमन नोड आ रही है, तो ये भी नहीं है। L4 को करते हैं सिमिलरली, L4 L1 देखते हैं, L4 L1 आ रहा है, L4 L2 देखते हैं, L4 L2 नहीं आ रहा था, L4 L3 देखते हैं हम, नहीं आ रहा। तो यानी कि हमारे पास एक दो तीन और चार, ये चार पेयर्स जो हैं ये नॉन टचिंग के बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एन टी टू वन। पहला क्या है हमारे पास, एल वन डॉट एल फोर है, इसका मतलब क्या है ये, एल वन एल फोर क्या है, एल वन क्या है माइनस का जी वन एच वन, और एल फोर क्या है माइनस का जी फोर एच फोर। ठीक है, तो एन टी टू वन प्लस का हो जाएगा ये जी वन एच वन जी फोर एच फोर। ठीक है, सिमिलरली एन टी टू सेकेंड कौन सा बन रहा है, एल वन एल फोर, सॉरी एल वन एल थ्री, एल वन एल थ्री, नेक्स्ट स्टेप फोर, जिसमें हमें तीन के ग्रुप निकालने हैं, तीन लूप्स के ग्रुप निकालने हैं जो कि तीनों नॉन टचिंग हो। तो हमारे पास एन टी टू जो थे, यानी कि दो दो के नॉन टचिंग जो थे वो क्या थे, एन टी टू फर्स्ट तो क्या था, जी वन एच वन जी थ्री एच थ्री, और एन टी टू सेकेंड क्या था, जी वन एच वन जी फोर एच फोर। तो हमारे पास आए ही दो हैं, तो तीन का तो सवाल ही नहीं उठता कि तीन हमारे पास हों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास नॉन टचिंग के दो आए हैं, तो तीन तो बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये स्टेप में एन टी थ्री जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तीन ही नहीं है तो चार तो नहीं होंगे, पाँच भी नहीं होंगे, आगे भी कुछ नहीं बनेंगे, तो इसलिए एन टी टू तक ही होगा, एन टी थ्री नहीं होगा। देन स्टेप फाइव, स्टेप फाइव में हम डेल कैलकुलेट करेंगे। डेल इज इक्वल टू वन माइनस, लूप्स कितने थे हमारे, चार थे, तो एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर, देन अल्टरनेट साइन प्लस नॉन टचिंग, दो नॉन टचिंग कितने हमारे पास, एन टी टू वन प्लस एन टी टू टू, पुट करेंगे वैल्यूज इनकी, वन माइनस, लूप वन क्या था, माइनस का जी वन एच वन, लूप टू माइनस का जी टू जी थ्री जी फोर एच टू, लूप थ्री था माइनस का जी थ्री एच थ्री, लूप फोर था माइनस का जी फोर एच फोर, प्लस नॉन टचिंग जी वन एच वन जी थ्री एच थ्री प्लस जी वन एच वन जी फोर एच फोर, वन प्लस जी वन एच वन प्लस जी टू जी थ्री जी फोर एच टू प्लस जी थ्री एच थ्री प्लस जी फोर एच फोर प्लस जी वन एच थ्री प्लस जी वन एच वन जी फोर एच फोर, ये डेल आ गया अपना। ओके, देन लास्ट हमें डेल आई कैलकुलेट करना है, स्टेप सिक्स, कैलकुलेट डेल आई।
तो पथ ही हमारे पास एक ही है, एफ वन ही पथ था सिर्फ, तो डेल वन ही कैलकुलेट होगा। ये था एफ वन सीधा स्ट्रेट आर टू सी, तो डेल वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप वन टच कर रहा है क्या, जी वन एच वन, जी वन एच वन टच कर रहा है तो इसको एक्सक्लूड कर दो। एल टू देखेंगे, जी टू जी थ्री जी फोर और ये वाला भी टच कर रहा है, एक्सक्लूड कर दो। फिर थर्ड लूप देखेंगे, ये वाला भी टच कर रहा है, एक्सक्लूड कर दो। ये वाला भी टच कर रहा है, एक्सक्लूड कर दो। तो ये पूरा ब्रैकेट इसमें एक्सक्लूड हो गया डेल में से। ये एक्सक्लूड हो गया तो ये तो ऑब्वियसली टच करेंगे क्योंकि इनसे मिलकर बने हैं ये, तो ये दोनों ब्रैकेट से एक्सक्लूड हो गए तो डेल क्या हो गया हमारा, वन हो गया, डेल वन हो गया वन। देन स्टेप सेवन, गेन कैलकुलेट करना है, विच इज सी बाय आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू कैपिटल एन एफ आई डेल आई बाय डेल सी बाय आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू वन ही है ये, तो एफ आई डेल आई बाय डेल ये क्या हो जाएगा, सी बाय आर इक्वल टू एफ वन डेल वन बाय डेल। एफ वन, एफ वन क्या था, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर और डेल वन क्या है, वन। डेल जो भी डेल की वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ रख देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन या फिर डेल ही रख लें, डेल ही पड़ा रहने दें। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का।